जयपुर के आमेर से बड़ी खबर है। अचरोल पुलिया के पास सवारियों से भरी बस पलटी। दिल्ली में आमेर जाते वक्त समय हुआ हादसा और ऐसे समय पर हादसा हुआ। सवारियों की चीख पुकार सुन ग्रामीण पहुंचे घटनास्थल और देखिए बस चालक को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ। सूचना पर अचरोल पुलिस चौकी मौके पर पहुंची। घटना के करीब 15 से अधिक सवारियों के घायल होने की सूचना सामने आई है। ग्रामीणों और पुलिस द्वारा घायलों को निम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको बता दिए। देखिए सड़क हादसे से जुड़ा ये बड़ा प्रकरण। आज बस पलट गई सवारियों से भरी और 15 से अधिक सवारी जो थी वो सवार थी बस में और तमाम लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को फिलहाल निम्न अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और देखिए ग्रामीणों और पुलिस द्वारा घायलों को निम्स अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है। वहां घायलों का उपचार जारी है और सवारियों से भरी बस पलटने का ये मामला सामने आया। जयपुर के आमेर से बड़ी खबर। और देखिए जो घटना के पीछे के कारण है वो ड्राइवर की नींद लगने के कारण ये घटना हुई, ये जानकारी सामने आ रही है। और जयपुर के आमेर से ये खबर जहाँ पर देखिए सड़क पर बस पलटी और सवारियों से भरी बस जोरदार तरीके से क्षतिग्रस्त हुई और अब घायलों को निम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। आसपास के लोगों में हड़कंप मचा और बस चालक को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए रोहन शर्मा हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। रोहन, किस तरीके से यह हादसा हुआ, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, घायलों की स्थिति क्या बताई जा रही है? देखिए गुनगुन, यह जो बस थी सुबह लगभग 1 बजे दिल्ली से अजमेर के लिए रवाना हुई थी और इसमें 40 सवारियां सवार थी। शुरू से ही जो जब ये बस चल रही थी तो बार बार इसके ड्राइवर चेंज हो रहे थे। लोगों ने भी इसकी शिकायत करी कि बार बार ड्राइवर चेंज क्यों हो रहे हैं, परंतु जो बस के ड्राइवर थे सवारी की एक नहीं सुनी। और जब ये बस एक ऐसे अनट्रेन ड्राइवर को दे दी गई जिसने हल्की सी उसको झपकी आई और उसने बस को एक ड्राइवर की वजह से टकरा गई और लगभग इसमें 40 सवारियों में से 15 लोगों को घायल अवस्था में पास के जो निम्स अस्पताल है वहां भर्ती कराया गया और जिन पर हल्की चोटें आई थी बाकी को घर के लिए रेफर कर दिया गया और स्थानीय पुलिस वहां पर पुलिस वहां पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद में अस्पताल में भर्ती कर गया। परंतु सबसे बड़ी इसमें जो लापरवाही नजर आ रही है। ठीक है, शुक्रिया रोहन आपका तमाम जानकारी के लिए।